हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा मिंत्रा का शॉपिंग हॉल, जो मैंने ऑर्डर किया था मिंत्रा से। और मैंने ऑर्डर किया था प्लाजो सेट और सलवार सूट भी बोल सकते हो और प्लाजो सेट भी बोल सकते हो। मतलब आप लोगों को हेल्प करेगा, ऑफिस के लिए हो या तो फिर घर में रफ्यूज़ के लिए हो। आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, वीडियो ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। और ये वाला जो प्लाजो सेट है, ये मैंने ज़्यादातर यूज़ किया हुआ है, मैंने पहना है, मैंने धोया भी है। उसके बाद मतलब मुझे जो अच्छा लगा, आप लोगों को मैं जेन्यून वाला फीडबैक दूंगी इसका कि कैसा लगा। कंफर्टेबल के हिसाब से आप वेयर करोगे, आप परसेस कर सकते हैं कि नहीं, उस हिसाब से मैं आपको बताते जाऊँगी। तो चलिए पहला सूट के बारे में बात करते हैं। तो ये एक कॉटन का, आप कॉटन और रेयन दो मिक्स बोल सकते हो। ये ब्लैक एंड वाइट में मैंने परचेस किया था, मतलब मैंने परचेस किया था मतलब मुझे ये गिफ्ट में मिला था। और ये है आपका पूरा लॉन्ग, ये देखिए, इसके साथ आपका प्लाजो भी आएगा, ऐसा वाला आपको ब्लैक कलर का प्लाजो मिलेगा। बहुत सुंदर है। और आपका ये फुल स्लीव का था, जो मैंने, मुझे फुल स्लीव का पसंद नहीं है इसलिए मैंने ये शॉर्ट स्लीव बनवा लिया। आप लोगों को अगर लॉन्ग स्लीव पसंद है तो आप लोग रख सकते हैं। तो फिर मैंने इसका स्लीव जो है वो शॉर्ट करा दिया। बहुत कंफर्टेबल है और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आप लोगों को ये मिंत्रा में मिल जाएगा। मैं प्राइस स्क्रीन पर ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और लिंक भी मैं दूँगी। और बहुत कम्फर्टेबल है, देखिए बहुत कम्फर्टेबल है। आप विंटर सीजन हो, समर सीजन हो, आप आराम से इसको पहन सकते हो, घर पे भी पहन सकते हो और ऑफिस के लिए भी, तो बहुत ही अच्छा है। और मुझे ऐसा वाला ब्लैक एंड वाइट में मुझे अच्छा लगा था, मेरे पास था नहीं तो मैंने ये वाला ऑर्डर करके दिया। और अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, कोई कलर इसका गया नहीं है अभी तक और बहुत कम्फर्टेबल है गाइस। आप लोग आराम से इसको परचेस कर सकते हो। और एक कॉटन, ये प्योर कॉटन का है, ये भी प्लाजो से थी। एक कलर आपका पैरट ग्रीन में आएगा और ऐसे करके पोल्का डॉट में आपको, आप लोगों को डिज़ाइन मिल जाएगा ब्लैक एंड वाइट में। देखिए ब्लैक एंड वाइट में पोल्का डॉट का ये डॉट मिल जाएगा, बहुत सुंदर है गाइस। और हाँ, मैं आप लोगों को साइज़ बताना भूल गया, जो वो वाला साइज़। और मैं सब अभी एल लार्ज वाला मैं करती हूँ। ये देखिए लार्ज, मैं लार्ज ऑर्डर किया है। और अभी जितना भी मैं पहनती हूँ, सलवार सूट हो, आपका प्लाजो सेट हो, सब मैं लार्ज में ही ऑर्डर करती हूँ। और ये देखिए बहुत स्ट्रेट है, ऐसा वाला कुर्ता प्लाजो सेट मुझे बहुत कंफर्टेबल करते हैं और मैं बहुत कंफर्ट फील करती हूँ। और ज़्यादातर मैं ऐसा प्लाजो सेट ही मैं पहनती हूँ। आप लोग देखा होगा मेरे ब्लॉग में, मैं बहुत अच्छा पाती हूँ ऐसा वाला प्लाजो सेट पहन के। और एकदम प्योर कॉटन का है और इसको मैंने धोया भी है, कोई कलर नहीं किया। हाँ, अगर मैं दो तीन बार इसको मैं धोऊँ, इसका जो डॉट है ये चला भी जा सकता है, नॉट श्योर। लेकिन अभी तक मैंने एक बार इसको धोया है, ये कलर गया नहीं है अभी तक। तो आप लोग आराम से, हाँ और बात मैं बोल रही हूँ, मेरा ज़्यादातर आप लोग मुझे देखोगे कि मैं शॉर्ट स्लीव का ही पहनती हूँ। इसका भी लॉन्ग स्लीव था तो मैंने ये भी शॉर्ट में करवा लिया था। तो आराम से ये भी आप लोग खरीद सकते हो। तो ये वाला था। और ये भी प्लाजो, बहुत मैं बोल रही हूँ, आप डेली वेयर घर पे, घर के लिए भी हो और साइज़ भी बहुत अच्छा है, एल वाला साइज़। अगर किसी का बैली है तो फिर आराम से ये आ जाएगा। देखिए बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छा है। और शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, आप लोग आराम से इसको वेयर कर सकते हो। और पूरा कॉटन का है, मैं वही बोल रही हूँ, बहुत कम्फर्ट फील कराता है ये मेरा प्लाजो सेट। और थर्ड वाला की बात मैं कर रही हूँ, और ये है मेरा सबसे फेवरेट मेरा प्लाजो सेट मेरा वार्डरोब का। तो ये भी मैंने मिंत्रा से, मेरा जितना भी आज का शॉपिंग है सब मिंत्रा से ही मैंने परचेस किया है। और ये सब जितना भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर रही हूँ, सब आपका यूज्ड है, मैंने यूज्ड किया है। और ज़्यादातर आप देख सकोगे, आप मेरा अगर ब्लॉग देखते हो आप लोग, तो फिर उसमें मैं ये भी पहना, ब्लैक भी पहना, पैरट वाला भी सूट पहना, प्लाजो से पहना, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जरूर देखिएगा ब्लॉग सब भी। और यहाँ पे देखिए ये वाला, ये थोड़ा सा अनारकली टाइप का, शॉर्ट अनारकली है, देखिए।
बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है गाइस, मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैंने एल साइज ऑर्डर किया था जो मुझे लूज आया है। ये बहुत लूज है। आप लोगों का एक साइज मैं बोलूँगी, इसको अगर आप ऑर्डर करते हो तो एक साइज डाउन में करिए। अगर आप लोग आपका ओरिजिनल साइज एल है तो फिर आप मीडियम परचेस करिए। पहले मैंने एल किया, उसके बाद मैंने और रिटर्न किया नहीं। मुझे लगा कि धोने के बाद वो थोड़ा सा कॉटन कपड़ा धोने के बाद सिकुड़ जाता है, मेरे को लगा था, लेकिन ये एकदम नहीं है, जैसे का वैसा है, कोई कलर उतरा नहीं है। और सबसे बेस्ट है, समर हो विंटर हो, आप आराम से पहन सकते हो, घर पे भी पहन सकते हो। देखिए कितना सॉफ्ट है, देखिए एक कुर्ता मेरा हाथ में पूरा आ गया। तो मेरा ये जो है प्लाजो सेट सब मैं पहन के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वीडियो के लास्ट में आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये है प्लाजो, ये थोड़ा सा आप देखिए, स्ट्रेट प्लाजो नहीं है ये थोड़ा आप पहनने के बाद ऐसा लगेगा कि आपका ये स्कर्ट टाइप आप पहन रहे हो, लेकिन बहुत कंफर्टेबल गाइस, मैं आप लोगों को वही बार बार बोल रही हूँ, बहुत अच्छे है। और सबसे मेरा फेवरेट, ऐसा लगता है कि रोज़ मैं यही पहनूँ, लेकिन नहीं पहन सकती, वो भी मजबूरी है। तो मुझे बहुत, और इसका कलर आपका दो कलर है, एक पिंक में मिल जाएगा, एक ब्लू में मिल जाएगा। और इसका प्राइस अराउंड आपका मैंने परचेस किया था मे बी 999 पे, और आप लोग देख लीजिएगा अभी। और मैंने ऑफर में ख़रीदा था, इसका दाम मिंत्रा में चल रहा था, ऐसे अभी भी अगर चेक करेंगे आप लोग तो पिंक कलर अवेलेबल नहीं होगा, मे बी ब्लू कलर ही अवेलेबल होगा, लेकिन ऑफर में एकदम नहीं है। इसका प्राइस दिखा रहे, बहुत ज़्यादा प्राइस दिखा रहे, तो अराउंड 3000 आप लोग पकड़ सकते हो, तो बहुत ज़्यादा है। आप लोग जब ऑफर में आएगा तभी आप लोग खरीदिए। और बहुत अच्छा है, मेरा बेस्ट अभी तक का मेरा बेस्ट कॉटन का मटेरियल, और आराम से आप एनी टाइम रात को भी पहन के सो सकते हो, बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है। तो इसके लिए मैं बोलूँगी बीबा का एक प्लाजो सेट, और ये हो गया आपका, ये वाला है प्लाजो, स्ट्रेट है और ये कॉटन नहीं है, ये रेयन मटेरियल है। तो ये भी प्लाजो सेट मैंने पहना है दुर्गा पूजा, जो आपका मेरा ब्लॉग गया है उसमें आप लोग देखिएगा, ये वाला प्लाजो सेट मैंने वहाँ पे पहना था, और बहुत कंफर्टेबल है, लॉन्ग है, आप लोग आराम से। और इसका देखिए बेली के लिए बहुत, जिसका वैली है आराम से आप इसको वेयर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा है इसका। तो ये है प्लाजो हो गया, और ऊपर का मैं कुर्ता आप लोगों को दिखाती हूँ, ऐसा वाला, ये थोड़ा सा ऊपर से स्ट्रेट, नीचे से अनारकली टाइप, और आगे से आपको मिलेगा दोनों टाइप, ऊपर में आपको फ्लावर मिलेगा और नीचे से प्लेन मिलेगा, और पीछे से भी आपको फ्लावर मिलेगा, नीचे से प्लेन मिलेगा। और यहाँ पे क्या होता है आपका, आगे देखिए, यहाँ से ये वाला ऐसे करके डिज़ाइन है, और पीछे से लॉन्ग है, आगे से थोड़ा सा शॉर्ट है, जो प्लाजो के साथ ये बहुत सुंदर लगता है और बहुत स्लिम लगता है ये पहनने के बाद। मैं बोलूँगी 100% आप लोग ये जा सकते हैं, आप लोग परचेस कर सकते हैं। ये देखिए बीबा है, मैंने 36 साइज परचेस किया है, बीबा का है। तो ये है मेरा फोर्थ वाला, और फिफ्थ वाला मैं एक कुर्ता ख़रीदा, और मुझे पता नहीं, हमको मुझे पता है कि ये वाला कलर में भी मेरे पे सूट नहीं करता है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये वाला कलर मुझे अट्रैक्ट करता है, ऐसा लगता है कि मैं ये वाला कलर पहनूं। और ये है एक सिंगल कुर्ता, लॉन्ग है, और इसका डिज़ाइन ये पहनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। आप लोग, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये सब मैंने पहना है, धोया हुआ है, और आप लोग अगर मुझे फॉलो करते हैं, मेरा अगर ब्लॉग देखते हो आप लोग, तो फिर ज़रूर आप लोगों को पता चलेगा मैंने ये भी पहना हुआ है। सब जितना भी आप लोगों को दिखाया है सब कुछ मैंने पहना हुआ है। एक कुर्ता है अनोक का, हाँ मैं बोलना भूल गई, अनोक का है ये ब्रांड में, और पिंक कलर का जो था वो भी अनोक का है, ग्रीन कलर का जो भी था वो भी अनोक ब्रांड का ही है। बस मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये वाला भी रेयन मटेरियल ही है। इसमें क्या था गाइस, मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये वाला जो है ना आपका ऊपर से था, तो
तो क्या किया, ऊपर से तो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो फिर मैंने टेलर में जाके ये वाला यहाँ से स्टिच करा दिया और कमर से मैंने रखा। ये अपर एकदम यहाँ तक था, ये वाला पोर्शन तक आपका काटा हुआ था, लेकिन मैंने क्या किया उसको मतलब स्टिच करा लिया। तो बहुत अच्छा है, इसको आप जीन्स के साथ, जेगिंग्स के साथ, फिटिंग जेगिंग्स, ब्लू जेगिंग्स के साथ आप पहन सकते हो, जीन्स के साथ भी पहन सकते हो, मतलब आप ये कैजुअल के हिसाब से भी पहन सकते हो। आपको अगर ऑफिस के लिए भी पहनना है तो फिर आप ब्लू लेगिंग्स के साथ भी आप पहन सकते हो आराम से, आप दोनों टाइप में आप इसको पहन सकते हो। बहुत अच्छा है, बहुत कम्फर्टेबल है गाइज, बहुत बोल मतलब मैं बार बार बोल रही हूँ बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोग ज़रूर परचेज करके देख लीजिए और खुद देखिए, बहुत अच्छा है और अफोर्डेबल प्राइस में। तो लास्ट में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैंने आपको शेयर किया था बर्थडे वाला ब्लॉग में, जो मैं मतलब मुझे गिफ्ट दिया था बर्थडे पे मेरी छोटी बहन ने, तो इसको भी मैं इसी में शामिल कर रही हूँ, क्योंकि ये भी मिंत्रा से ही खरीदी थी उसने, तो मैंने सोचा एक बार आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये वाला भी प्लाजो से थी है, ये प्लाजो विद कुर्ता मतलब दुपट्टा है आपका, प्लाजो कुर्ता और दुपट्टा मतलब सिल्वर सूट ही है, ये आपका प्लाजो आ जाएगा। देखिए इसका थोड़ा लॉन्ग था तो मैंने यहाँ पे कटिंग करा लिया, ये रेयन मटेरियल का है और ये ऊपर का कुर्ता है, बहुत अच्छा है, गोटा पट्टी वर्क किया हुआ है आपका, लॉन्ग है, लॉन्ग कुर्ती है। ये मैंने पहना नहीं, लेकिन मैं जब पहनूंगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और ये वाला है और रेयन मटेरियल है, और इसका दुपट्टा उस दिन मैं नहीं दिखा पाई आप लोगों को, ऐसा वाला गोटा पट्टी वाला सिफोन का दुपट्टा आता है, बहुत सुंदर गॉर्जियस है। आप जब पूरा रेडी होके आप इस प्लाजो से सलवार सूट को आप पहनोगे, बहुत सुंदर लगेगा। देखिए इसका कलर कॉम्बिनेशन, आप लोग देखिए, यहाँ से आपको फ्लावर मिलेगा, यहाँ से आपको प्लेन मिलेगा, ये मेरा उल्टा साइड हो गया सॉरी, देखिए कलर, यहाँ से आपको फ्लावर टाइप का मिल जाएगा, नीचे आपको गोटा पुट्टी का ये मिल जाएगा, लेस मिल जाएगा, और ये प्लेन में है, बहुत सुंदर है। इसको आप ऐसे साइड में भी ले सकते हो, आप जैसे मर्जी आप ऐसे भी ले सकते हो। तो ये सूट मुझे बहुत, मेरा भी फेवरेट है, उसने जब दिया था मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा मिंत्रा से ही ख़रीदा है, तो फिर मैं मिंत्रा हॉल में आप इसको भी करा देती हूँ। बस यही था मेरा आज का मिंत्रा शॉपिंग का, आपका कुर्ता और प्लाजो सेट। आप लोगों को अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिएगा, नो डाउट रख के ये आप परचेस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यूज्ड करके ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ पहनने के बाद वीडियो, आप लोगों को सारा जो मेरा प्लाजो सेट है कुर्ता, मैं पहन के आप लोगों के साथ एक बारी शेयर करती हूँ। Thank you.
तो बस ये था मेरा आज मिंत्रा शॉपिंग हॉल, जो मैंने मिंत्रा से शॉपिंग किया था और एकदम यूज्ड किया हुआ, धोया हुआ, धोने के बाद आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। कभी कभार क्या होता है, हम लोग खरीद लेते हैं और आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं, लेकिन यूज्ड करने के बाद ओरिजिनलिटी पता चलता है, कपड़ा का क्वालिटी पता चलता है, कलर गया कि नहीं वो पता चलता है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं यूज्ड करने के बाद ही मैं शेयर करूँ, कुर्ता हो, सलवार सूट हो, प्लाजो सेट हो। तो उससे क्या होता है, बहुत हेल्प होता है। मैं भी कभी कभार वीडियो खोजती हूँ कि कोई यूज्ड करके रिव्यू दे, फीडबैक दे, कोई हॉल बनाए, तो मतलब क्या होता है, तब ज़्यादा ट्रस्ट आता है कि हाँ मैंने यूज़ किया, आप लोगों को बता पा रही हूँ, ये खरीदिए, ये मत खरीदिए। तो बस ये था मेरा आज मिंत्रा हॉल। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया फिर प्लीज़ लाइक करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं, और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरा कुकिंग का भी रेसिपी मैं डालती हूँ, मैं ब्लॉग डालने के लिए भी डेली ट्राई करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर आप लोगों को ज़रूर मेरा ब्लॉग भी अच्छा लगेगा, तो फिर प्लीज़ जाके आप लोग मेरा ब्लॉग देखिएगा। और प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग, नेक्स्ट रेसिपी में।